और स्पीड ऑफ वाटर क्या है W अगर आप अगेंस्ट द वाटर जाओगे तो वाटर आपको क्या करेगा अपोज करेगा इट मीनस अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो आपका स्पीड क्या होगा S माइनस डब्ल्यू विद द फ्लो ऑफ वाटर क्या पाओगे तो वाटर आपको क्या करेगा हेल्प करेगा उस केस में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी S प्लस डब्ल्यू तो अगर बोट अपने नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करता इट मीन अगर S से ट्रेवल करता तो टोटल टाइम कितना लगेगा अजय कर लो कि डिस्टेंस डी है तो आप क्या लिखोगे जाने का टाइम तो जाने के लिए ए से बी में कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड एस माइनस डब्ल्यू प्लस आने का टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी एस प्लस डब्ल्यू ये होगा टोटल टाइम फर्स्ट केस में डोंट वरी अबाउट द वेरिएबल्स ये सारे लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर सेकेंड केस में देखोगे जब आपने स्पीड को डबल कर दिया इट मीन्स टू कर दिया है उस केस में आपका अपवर्ड स्पीड कितना हो जाएगा टू एस माइनस डब्लू और डाउनवर्ड स्पीड कितना हो जाएगा वो हो जाएगा टू एस प्लस डब्लू तो उस केस में टाइम कितना लगेगा वो टाइम लगेगा डी डिवाइडेड बाई टू एस माइनस डब्लू और प्लस डी डिवाइडेड बाई टू एस प्लस डब्लू ये क्लियर है नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेकेंड केस का जो टाइम है वो अपने ओरिजिनल टाइम का क्या है सिर्फ ट्वेंटी परसेंट है ये क्लियर है इसका क्या मतलब है कि आप क्या लिख सकते हो d डिवाइडेड बाई 2s एस माइनस डब्ल्यू प्लस d डिवाइडेड बाई 2s एस प्लस डब्ल्यू और ये किसके इक्वल है 20 परसेंट ऑफ यानी वन बाई फाइव ऑफ d डिवाइडेड बाई s माइनस डब्ल्यू एंड d डिवाइडेड बाई s प्लस डब्ल्यू यहाँ से d से d दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप यहाँ से एल सी लोगे तो क्या लिखोगे ये आएगा आपको टू एस माइनस डब्ल्यू और ये हो जाएगा 2s प्लस डब्लू न्यूमिनेटर में आपको क्या मिलेगा टू एस प्लस डब्लू एंड प्लस टू एस माइनस डब्ल्यू राइट हैंड साइड आपको क्या मिलेगा वन बाई एस अगर आप इसको एल सी में लोगे तो क्या लिखोगे एस माइनस डब्ल्यू और इंटू एस प्लस डब्ल्यू न्यूमिनेटर में मिल जाएगा एस प्लस डब्ल्यू एंड प्लस एस माइनस डब्ल्यू यहां से डब्ल्यू से w कैंसिल अगेन डब्ल्यू से डब्ल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिलेगा यहाँ पे 2s और 2s तो ये हो जाएगा आपको 4s डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो 4s स्क्वायर और माइनस w स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या होगा 1/5 और ये s और s तो ये हो जाएगा 2s और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा s स्क्वायर माइनस w स्क्वायर यहां से आप 2s से इसको टू टाइम्स कैंसिल कर दो और आप यहां से सॉल्व कर लो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो फाइव इंटू टू तो क्या होगा टेन और इंटू हो जाएगा एस ए स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अल्टीमेटली अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टेन एस स्क्वायर है और इधर फोर एस स्क्वायर तो ये हो जाएगा सिक्स एस स्क्वायर यहाँ पे माइनस टेन डब्ल्यू स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और उसमें से माइनस डब्ल्यू स्क्वायर दोगे जाएगा नाइन डब्ल्यू स्क्वायर थ्री से ये टू थ्री सेक्वाई स्क्वायर थ्री बाई टू एस बाई डब्लू का रेशियो so, क्या मिल जाएगा आपको वो रूट थ्री बाई टू करेक्ट है सो so, हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद फ्रेंड्स